दिल्ली में शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। यहां राजधानी लखनऊ में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को घेरने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी का विरोध जताते हुए राजधानी लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया और नारा लगाकर कहा कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और कहा कि आप पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी विरोध जताया गया है। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार नाराज हैं और विरोध जता रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो लगातार राजधानी लखनऊ में विरोध जता रहे हैं। भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन उसके बाद भी जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं लगातार विरोध जता रहे हैं। हम तस्वीरों के माध्यम से आप दिखाएंगे कि जो पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है और जिस तरीके से भारी पुलिस बल तैनात है उसको लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बस में भर दिया गया है और यहां से विरोध प्रदर्शन जिस तरीके से जता रहे थे तो यहां से उनको ले जाया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाएंगे जिस तरीके से कार्यकर्ता लोग हैं काफ़ी नाराज हैं और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर काफ़ी नाराज हैं और विरोध जता रहे हैं। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मैं अविनाश, एमके न्यूज़।